गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी आर डिस्कसिंग वन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10. द मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. बेसिक वाले स्टूडेंट तो नहीं, पर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट बड़े अच्छे से करके जाइएगा ये मेथड. तो मैं कुछ इसके स्टेप्स बता देता हूँ कैसे करना है. आरडी में पेज नंबर 4.13 पर गिवन है. ऑब्वियसली द इक्वेशन वुड बी ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होगा. कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ. सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करना है कॉन्स्टेंट टर्म को. जो भी गिवन इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म है, जो सी होती है, स्मॉल सी, उसे फैक्टराइज करना है. उसके बाद जो कॉफिशेंट है मिडल टर्म का, उसे आपने एक्सप्रेस करना है एज द सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप वन. क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ x² एंड द कॉन्स्टेंट टर्म. मतलब जैसे हम a * c करते थे, ठीक है ना, फिर उसे बी से इक्वेट करना है, स्मॉल बी से. उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में जो ऑब्टेन हुए स्टेप टू में, और लास्ट स्टेप में हमें ग्रुपिंग मेथड से उसे फैक्टराइज करना है. अब क्लास मैंने एग्जांपल नंबर 6 है आरडी में पेज नंबर 4.13 उसका फर्स्ट पार्ट लिया है. ध्यान दीजिए, इक्वेशन है x² - 2ax + a² - b². अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल ए, इसे कोरिलेट कीजिए ax² + bx + c से. कैपिटल ए हमारा 1 है, कैपिटल बी हमारा -2a है, और कैपिटल सी जो कांस्टेंट टर्म है वो है a² - b² अब a² - b² के फैक्टर आपको पता ही है, a - b और a + b, राइट? साथ साथ अपनी बुक में देखते रहिए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. अब शालीन ये स्टेप तो सब कर लेते हैं, पर सबसे मेन जो स्टेप है ना, अब ये जो b वाली टर्म थी -2a, आपको इसे a - b और a + b की टर्म्स में चेंज करना है. क्योंकि यहाँ पर बेटा कॉन्स्ट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 था, तो ऐसे में कोई टिपिकल क्वेश्चन आएगा ना तो अधिकतर में x² का कोफिशिएंट 1 आएगा. अगर नहीं आएगा तो फिर a * c करना पड़ेगा पूरा, और उसको b की टर्म्स में करना पड़ेगा वेरीफाई. तो इसका सबसे मेन जो स्टेप है समर, ये देखिए कि जो b है, कैपिटल b है, वो -2a है, और -2a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -(curly) (a - b) (+) (a+b). ये चीज समझ आई है? ये खुद बनाना पड़ेगा गरिमा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, कैपिटल बी की जगह मैंने -2a की जगह ये लिख दिया (a - b) (+) (a+b) (+). तो ये जो इक्वेशन थी x² - 2ax + a² - b² = 0, ये चेंज होके बन गई है (x² - (a - b) (+) (a+b) (+) (a+b) (+) (x). यहाँ कर्ली ब्रैकेट एक और भी आएगी, आरडी शर्मा ने लिखी नहीं है, ठीक है ना, एक और यहाँ पर भी आएगी, और a² - b² की जगह a - b (a+b). अगला स्टेप बड़ा सिंपल है शालीन, देखिए -(a - b) की मल्टीप्लाई है x से करोगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, एक बार x से करोगे तो हो जाएगा -(a - b) (x), और एक बार a+, ये -(+) हो गया, और a+b के x से करोगे तो हो जाएगा a+b (x). ये ध्यान रखिएगा, मैं आरडी में करेक्शन कर देता हूँ जिन बच्चों को, ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगी, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर इस स्टेप पर हम आ गए हैं x² - (a - b) (x) - (a+b) (+) (a - b) (a+b). अब ध्यान से देखिए शालीन, ये पहले दोनों की पेयरिंग कर ली है, ग्रुपिंग करनी थी, राइट? x² और x वाली टर्म की पेयरिंग की है, x² - (a - b) (x) को एक ब्रैकेट में लिखा है, और ऐसे ही a+b (x) और a+b (a - b) को एक ब्रैकेट में लिखा है, और बाहर माइनस कॉमन लिया है. अगर बाहर माइनस कॉमन लोगे तो ये वाली जो टर्म है a+b (x), ये तो पॉजिटिव रहेगी, पर ये वाला जो प्लस था, प्लस को माइंड में लिखो, -(-), एक माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा ब्रैकेट में a - b (a+b). अब ध्यान से देखिए, जो ग्रुपिंग आपने की है x² - (a - b) (x) में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x - (a - b), ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ग्रुपिंग में से बेटा a+b कॉमन लिया, माइनस पहले ही कॉमन था, तो -(a+b) कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x - (a - b), ठीक है? अब पूरे में से शालीन देखो क्या कॉमन आया, x - (a - b). वैसे भी तुम्हें पता है ना MTS में ये सेम होना चाहिए, अगर ये तुम्हारा x - (a - b) और यहाँ भी x - (a - b) नहीं है तो समझ जाओ कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है? तो
पूरे में से बेटा कॉमन है एक्स माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी, अंदर बच गया एक्स और ये वाला माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। अब एक बार एक्स माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी इधर दैट इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व कर लो। एक्स की एक वैल्यू माइनस ऑफ ए माइनस बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक वैल्यू आ रही है एक्स की प्लस ए माइनस बी और एक आ रही है ए प्लस बी। तो डिफरेंट लगा कुछ एमटीएस से? है वैसे ही, बस इस बार ए और बी में, ए और बी में ऐसे टर्म्स है तभी आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो सेकंड वाला पार्ट इसका होमवर्क में है क्योंकि वो भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैं थर्ड पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए, पहले मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना है, ये थर्ड पार्ट है हमारा। साफ साफ पता देखो आप, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फैक्टर बना लो ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें अब ये ए इंटू सी नहीं कर रहे हैं, देखो ये सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर बना रहे हैं। और माइनस फोर ए को लिखो, माइनस फोर ए को इस टर्म में लिखो, किस टर्म में, कॉन्स्टेंट टर्म की टर्म में लिखो। बात आ रही है समझ? ये देखो ना, जैसे इसने माइनस फोर ए को पेज नंबर 4.14 पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए माइनस फोर ए को क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट में टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस टू ब्रैकेट ए माइनस बी। शालीन इसमें यही मेन गैस करने का होता है, अगर ये आपने गैस कर लिया तो आगे तो एमटीएस की तरह ही है। ठीक है, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लेना, यही सेम आएगा गरिमा, माइनस फोर ए आएगा। राइट तो बेटा माइनस फोर ए एक्स की जगह आ गया माइनस ब्रैकेट ओपन टू ब्रैकेट ओपन अगेन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस टू ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, बाकी सारा स्टेप सेम है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस की इससे होगी तो ये आएगा टू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस टू ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू एक्स। राइट, अब पहले दोनों ये ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली पहले दो की और यहां से इन दोनों की कर ली और माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लोगे शालीन तो अंदर देखो कर्ली ब्रैकेट में बच रहा है टू ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तुम्हें ऐसे अभी लग रहा है, अभी होगा नहीं तुमसे, बहुत गड़बड़ आएगी अगर बिना देखे करोगे तो। आप देखिए, अब फर्दर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स में से टू एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया है, अंदर बच गया है टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी कॉमन लिया, अंदर बच गया टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। तो पूरे में से ध्यान से देखिए, टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी दोनों में सेम है तो टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी जो है वो कॉमन लिया है, टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी जो है वो कॉमन लिया है तो अंदर बच गया यहाँ से देखो टू एक्स और यहाँ से माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी। अब आगे आपको पता ही है बेटा, इधर टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है गरिमा, तो यहाँ देखो माइनस ए प्लस बी को राइट में ले जाओ, टू एक्स हो जाएगा ए प्लस बी, एक्स हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू और यहाँ से टू एक्स हो जाएगा ए माइनस बी, एक्स हो जाएगा ए माइनस बी बाय टू। तो अब हमने दोनों टाइप के कर लिए, एक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन था और एक में फोर था। पर यहाँ पर सारा जो रोल है ना शालीन वो सी का है, स्मॉल सी का। अब मैंने एक और टिपिकल क्वेश्चन चूज किया है, आप जो कह रहे थे आपके पेपर में आया, एमडीपीएस के पेपर में आया ये, पर उन्होंने शायद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से बोला है। तो आप यहाँ से देखो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मेरे सामने करोगे कि क्यों गलत हुआ आपका ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा 9x2, एग्जांपल 7 का सेकंड पार्ट है, 9x2 माइनस 9 ब्रैकेट ए प्लस बी इनटू एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² सीबीएसई देखो 2004 916 तीन बार आया है पिछले 20 साल में देखे तो, और ये आया भी है, मुझे भी दिखाया काफी बार ये क्वेश्चन। लेकिन अगर ये एमटीएस से आता है, मतलब फैक्टराइजेशन से आता है, तो गड़बड़ करेगा थोड़ा। तो आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हम देख रहे हैं 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² है, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर किसकी टर्म में बनाने हैं, ए प्लस बी ऐसी टर्म में बनाने हैं। तो ध्यान दीजिए, 5ab को अपने माइंड में स्प्लिट किया, 4ab प्लस ab ऐसे दोनों की पेयरिंग कर लिया, 2a² और 4ab को इकट्ठे लिखा है और ab प्लस 2b² को इकट्ठे लिखा है। पहले दोनों में से कॉमन बोलो 2a कॉमन है, राइट, तो अंदर बच गया a प्लस 2b और इन दोनों में से b कॉमन है तो अंदर बच गया a प्लस 2b।
कल के आपके टेस्ट में मैं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर दूंगा फैक्टराइजेशन का, ठीक है? तो अच्छे से कर लेना, आई रिपीट, चाहे वो बेसिक का टेस्ट है चाहे स्टैंडर्ड का, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो बेटा फैक्टर हो गया 2a+b, ये मेथड आ रहा है, टीचर्स ने कंफर्म किया है कि ये है सिलेबस में, राइट? तो अच्छे से करना है। 2a+b और a+2b, ये इसके फैक्टर हो गए। और अब बेटा मिडिल टर्म थी -9 a+b। अब शालीन ध्यान से देखो, ये जो -9 a+b है, इसे आपको 2a+b और a+2b के टर्म्स में चेंज करना है। ये इन्होंने किया, देखो -3 2a+b + a+2b, 2a+a 3a, 3a × -3 -9 a हो जाएगा, और b+2b 3b, 3b × -3 -9 b। बिल्कुल सही किया इन्होंने, राइट? बस यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट और नहीं लगाई आरडी शर्मा ने, लास्ट में आप लगा लीजिए, जहां कॉफिशियंट ऑफ द मिडिल टर्म लिखा है यहाँ लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब -9 a+b × x की जगह आ गया -3 2a+b + a+2b होल ब्रैकेट × x। आगे आपको पता है शालीन, -3 की मल्टीप्लाई एक बार 2a+b × x से की है, और एक बार -3 की मल्टीप्लाई a+2b × x से की है। आप पहले दोनों की पेयरिंग करिए और लास्ट के दोनों की पेयरिंग की है या ग्रुपिंग की है, 3x कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 3x -(2a+b) और लास्ट के दोनों में से कॉमन आ रहा है शालीन -(a+2b), अंदर यही सेम बच गया, देखो 3x - 2a+b। मैंने आपको पहले भी बताया था ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये 3x - (2a+b) ये वाली और ये वाली 3x - (2a+b), पूरे में से ये कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3x - (a+2b), इधर लेफ्ट वाला 3x - (2a+b) इक्वल टू 0 और दिस 3x - (a+2b) इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना बेटा, एक वैल्यू 3x इक्वल टू आएगा 2a+b, x आ जाएगा 2a+b/3, और यहां से इसे सॉल्व करोगे तो 3x इक्वल टू आएगा a+2b, x आ जाएगा a+2b/3। तो क्लास ये जो मेथड था जो हमने किया है, क्लास ध्यान दीजिएगा, दिस मेथड वाज फैक्टराइजेशन मेथड। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। थैंक यू एवरीवन।